আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जब बीजेपी में शामिल हुए, उस दौरान उनका दिया गया भाषण काफी वायरल हुआ। रैली के दौरान मिथुन ने कहा कि वो कोबरा है जो एक बार में ही मार देता है। अमी जल ढोड़ाओ नोई, बेले बोड़ाओ नोई, अमी एकटा कोबरा, गोखरो अमी। साथ ही अपने भाषण में मिथुन ने फिल्मी अंदाज में कई डायलॉग कहे, जैसे कि कोई आपका हक नहीं छीनेगा, जो छीनेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। मिथुन ने आगे कहा कि मारूंगा यहाँ पर और गिरोगे शमशान में। लेकिन मिथुन के इन्हीं डायलॉग्स की तरह उनका राजनीतिक सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि जिस टीएमसी को रैली में उन्होंने खूब कोसा, उसी टीएमसी से वो राज्यसभा सदस्य भी रहे। आइए डालते हैं उनके राजनीतिक और फिल्मी करियर पर एक नज़र। 16 जुलाई 1950 को एक बंगाली मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मिथुन दा, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के लिए ये कितना बड़ा परिवर्तन है, ये उनके अतीत के पहलुओं को समझने के बाद ही आपको पता चल सकता है। 1960 के दशक में कई बंगाली युवाओं की तरह ही मिथुन चक्रवर्ती भी नक्सल आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन इसी दौरान उनके भाई की मौत हो गई, जिससे उन्होंने सशस्त्र संघर्ष को लेकर अपने विचारों का रुख मोड़ लिया। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की वजह से उन्हें भी काफी समय तक छिपकर वक्त गुजारना पड़ा। इसी छिपते छिपाते जीवन से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की और वो फिल्मी लाइन से जुड़ गए, लेकिन फिल्मों में 40 साल गुजारने के बाद भी वो राजनीति का मोह छोड़ नहीं पाए। बल्कि उन्हें राजनीति में लाने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वो थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक शमशान में उन्हें पार्टी में शामिल होने और टिकट देने का ऑफर दिया था। ये तमाम मशहूर कलाकार बॉलीवुड और बंगाल की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही सुचित्रा सेन के अंतिम संस्कार के लिए जुटे थे। वैसे अभिनय की दुनिया के बाद के दिनों में उनकी सियासत में वापसी उग्र वामपंथी विचारधारा की जगह वामपंथी विचारधारा में ज्योति बसु के शासनकाल में ही हो चुकी थी। बसु का उन पर खूब आशीर्वाद रहा, हालांकि ज्योति बसु के अलावा उनकी लेफ्ट पार्टी के नेताओं से ज्यादा नहीं बनी। और फिर आया 2011 में लेफ्ट का शासन खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस के करीब आ गए, जिसके कुछ सालों बाद टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा में उम्मीदवार बना दिया और वो जीतकर ऊपरी सदन पहुंच गए। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद मिथुन परेशान हो गए। वैसे अपने कार्यकाल के दौरान भी संसद में उनकी उपस्थिति बहुत ही कम रही। करीब 3 साल तक राज्यसभा का सदस्य होने के दौरान वो महज संसद 3 बार ही गए। चिटफंड घोटाला में नाम आने के बाद साल 2016 के आखिर में मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लिया। उस समय मिथुन ने अपने खराब स्वास्थ्य को राजनीति से नाता तोड़ने की वजह बताया था, लेकिन दरअसल उनके राजनीति छोड़ने की शुरुआत उसी समय से हो गई थी जब उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था। मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर थे। इस मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। दरअसल सबसे पहले मिथुन लेफ्ट में थे, फिर उनकी एंट्री टीएमसी में हुई और टीएमसी से होते हुए अब वो बीजेपी में आ गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी करियर भी जितना हिट रहा, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही कंट्रोवर्शियल रही। आपको बता दें कि मिथुन का नाम यूं तो कई को स्टार जैसे कि रंजिता, सारिका और कई हीरोइंस के साथ जुड़ा, लेकिन श्रीदेवी के साथ उनके अफेयर की चर्चा सबसे ज्यादा रही। 1984 में उनकी एक फिल्म आई थी जाग उठा इंसान, में मिथुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें भी आने लगी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी कर ली थी। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा टिका नहीं और इसकी वजह थी मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ योगिता। योगिता ने मिथुन को धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने श्रीदेवी से रिश्ता रखा तो वो सुसाइड कर लेंगी। इसके बाद वो श्रीदेवी को छोड़कर फैमिली के पास वापस लौट आए। मिथुन के फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में आई फिल्म मृग्या से हुई। इस फिल्म में उन्होंने ऐसा दमदार किरदार निभाया कि उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड तक मिला। इसके अलावा अग्निपथ, बंगाली फिल्म तहादर कथा और स्वामी विवेकानंद के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। अब तक वो 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने वारदात, अविनाश, जाल, डिस्को डांसर, भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वतन के रखवाले, हमसे बढ़कर कौन, चरणों की सौगंध, हमसे है जमाना, बॉक्सर, बाजी, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, करिश्मा कुदरत का, स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में काम किया है।
लेकिन इस बेहद हिट फिल्मी सफर के बाद भी उनके जीवन में 5 साल वो ऐसा दौर भी आया जो उनके लिए सबसे मुश्किल भरा था। 1993 से लेकर 1998 के बीच उन्होंने जितनी फिल्में की वो सब फ्लॉप रही। इस दौरान उन्होंने 33 फिल्में की थी जो एक के बाद एक फ्लॉप रही। हालांकि अब वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। टीएमसी से नाता तो उन्होंने 2016 में ही तोड़ लिया था, लेकिन अब उनका ये कहना है कि बीजेपी अगर उन्हें कोई रोल देती है आने वाले विधानसभा चुनावों में तो वो उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी करियर शानदार रहा है, क्या उनकी दूसरी राजनीतिक पारी भी उतनी शानदार रहेगी? ये तो भविष्य की गर्त में है।